दोस्तों आज रविवार का दिन है और आप सभी को दर्शन कराने के लिए मैं हर की पैड़ी में पहुंच चुका हूं। आज छुट्टी है सभी की, सभी लोग घर पर होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सुबह सुबह माँ गंगे के दर्शन कराया जाए। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये अपर रोड के टॉप पर खड़े होकर जब आप व्यू देखते हैं तो ऐसे ही नज़र आते हैं और हर की पैड़ी के बहुत ही सुंदर नज़ारे इस समय आपको दिख रहे होंगे। तो वीडियो में बने रहें और हमारे साथ लास्ट तक रहें और शेयर ज़रूर करना है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके साथ और भी लोग रविवार के दिन माँ गंगे के दर्शन कर सके। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं आओ करें दर्शन। दोस्तों देखिए टॉप पर खड़े हो जाइए और वहां से जो व्यू आपको देखने को मिलेंगे ये बहुत कम जगह मिलते हैं। पूरा हर की पैड़ी नजर आता है और श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है सभी अच्छे से नजर आएगी। और ये जो वीडियो है समय की बात की जाए तो सुबह लगभग 8 बजे के आसपास की ये वीडियो है। तो सुबह सुबह बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचे थे लेकिन रविवार को देखते हुए जो संख्या है वो थोड़ी कम नज़र आ रही है। हो सकता है 9-10 बजे के बाद लोगों का आना शुरू हो और बहुत सारे लोग आए और पूरे जो घाट हैं वो भर जाएं। आप सभी इन दृश्यों को देखिए, यहाँ पर माँ गंगे के दर्शन करिए। गंगा जल में रेत की मात्रा धीरे धीरे करके अब काफ़ी कम हो चुकी है, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। दर्शन करिए और कमेंट में जय गंगे माता जरूर लिखें। सामने की ओर देख सकते हैं ये महिला घाट है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इस तरफ जहां मंदिर दिख रहे हैं ये है घंटाघर घाट। देखिए श्रद्धालुओं की खुशियां देखिए आप, जब वो डुबकी लगाते हैं, जयकारे लगाते हैं जय गंगे माता, तो उस समय के दृश्य बहुत ही अच्छे होते हैं और कोशिश रहती है कि वही दृश्य जो है कैप्चर किए जाएँ, आपको दिखाया जाए कि श्रद्धालु यहाँ पहुँचने के बाद और गंगा जल में डुबकी लगाने के बाद कितने खुश होते हैं ये आप देख सकें। देखिए यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगा जल पूरी तरह से क्लियर है, बट वो धूप की वजह से हो रहा है। रेत की मात्रा है बहुत हल्की है लेकिन अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि गंगा जल कब बंद किया जाएगा और हर की पैड़ी के घाट जो हैं वो कब साफ़ किए जाएंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। वैसे मैं आपको बता दूँ, पहले हमेशा दशहरे वाले दिन गंगा जल रोका जाता है और दिवाली की रात को पुनः गंगा जल छोड़ा जाता है। तो ये दिवाली, दशहरे से दिवाली के बीच का जो समय है हर की पैड़ी में नाम मात्र का गंगा जल देखने को मिलता है जिससे कि माँ गंगे की आरती की जा सके। गंगा जल का होना भी जरूरी है क्योंकि सुबह शाम माँ गंगे की आरती होती है लेकिन बहुत कम रखा जाता है। और यहाँ से देखिए जल के बहुत पास हैं हम। कैसी लग रही है वीडियो शेयर जरूर करें। और एक बात और कहना चाहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजकल लगातार दर्शन कराते कराते लोगों का जो इच्छाएं होती हैं दर्शन करने की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि वीडियो बना रहे हैं अपलोड कर रहे हैं लेकिन लगातार दर्शन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, गंगा जी के अलावा और भी दर्शन हम कराते रहेंगे, गंगा जी के तो कराएँगे ही कराएँगे, बाकी और जो मुख्य स्थान है वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। तो आप कमेंट करके जो भी है आप बात बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये है संजय पुल में जब आप खड़े होते हैं तो वहाँ से, और आपके सामने अब है मनसा देवी मंदिर। ऊंचे पहाड़ों पर मां मनसा देवी का मंदिर देखिए। और नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं और लगभग डेली ही हम आपको मनसा देवी मंदिर दिखा रहे हैं। और यहाँ से है नाई घाट के सुंदर नज़ारे।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अभी जो है बद्रीनाथ धाम की जो कपाट बंद होने की डेट नहीं आई है, लेकिन बाकी तीनों धाम के जो कपाट हैं उनकी बंद होने की तारीख आ चुकी है और मैंने कई वीडियो में बताया है। आज एक बार फिर से बताते हैं, 14 नवंबर के दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, 15 नवंबर के दिन यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो अभी आपके पास लगभग कह सकते हैं 25 दिन का समय है, आप लोग आइए, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो 25 दिन से भी कम समय है, आज 22 तारीख हो गई है, तो लगभग 22-23 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। और एक बार फिर से देखिए, मनसा देवी मंदिर, ऊंचे पहाड़ों पर माता जी का भव्य मंदिर है। आजकल मनसा देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है और नवरात्रि के समय में ज़्यादा लोग ही जाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, आप लोग बात करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहां पर मैसेज कर दीजिए, आपको सभी जानकारी मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी 22 अक्टूबर के दर्शन। उम्मीद करते हैं आप सभी ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे और आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी, क्योंकि लाइव जब करते हैं तो नेटवर्क अच्छा नहीं आता है, तो वीडियो की क्वालिटी बेकार होती है। लेकिन फिलहाल जो है वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, आप अच्छे से दर्शन कर रहे होंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे ही लगातार वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।